मात्र एक दिन पहले अच्छा खासा व्यूज ला चुका है और इसके स्टारिंग है दिगंत शेफाली और रोहित और लिरिक्स लिखी है डियर अनीता के द्वारा, म्यूजिक दिया गया है हेमंत कुजूर के द्वारा और सिंगर है स्टीफन टूडू। भाई हेमंत कुजूर और सिंगर स्टीफन टूडू की जोड़ी बहुत ही कमाल की होती है। हेमंत कुजूर खास करके उनके म्यूजिक काफी रॉ और काफी क्या बोलते हैं एक अलग होता है जो कि सुनने में तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, हेमंत कुजूर बहुत ही नामी म्यूजिशियन है भाई और स्टीफन टूडू को कौन नहीं जानता। तो चलिए देखते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहता है ये गाना, कैसी रहती है इसकी लिरिक्स, कैसी रहती है इसकी भाई, सब चीज का आंसर मिलेगा सिर्फ यहाँ। तो वीडियो सुर्ख लेकर एंड तक जरूर देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन का कारवा। तो भाई कनाडा का हेडफोन चलिए शुरू करते हैं। मैं सकूँ जो कि एन के भी धमाका पे मात्र एक दिन पहले अच्छा खासा व्यूज आ चुका है, तो चलिए देखते हैं रिएक्शन करते हैं। 3-2-1 लेट्स बिगिन द शो। एन के भी धमाका सजा किदा तीरे में हो रो अना मेरे हेड साको सिंदूर बहाते हुरा सिम सजा किदा तीरे में हो रो अना मेरे हेड साको स्टार्टिंग वीडियो बहुत ही कमाल का था। ठीक है, काफी क्या बोलते हैं जो संथाल के कल्चर है उनको दिखाया गया है, मतलब संथाल में जिस तरीके से शादी होती है ठीक है उसे दिखाया गया है, वो क्या बोलते हैं येलो ड्रेस दिखाई गई है ठीक है, वो आशीर्वाद देना दिखाया गया है, प्लस में वो क्या बोलते हैं जो ट्रेडिशनल ढोल बजती है उसको दिखाया गया है। तो भाई काफी रूटेड वीडियो स्टार्ट हुई। ठीक है, मुझे लगा कि भाई कुछ मतलब थोड़ा रोमांटिक वाला वाइब गाना होगा या फिर समथिंग कुछ क्या बोलते हैं कल्चरल रिलेटेड गाना होगा, बट ये निकला बहुत ही ज्यादा सैड सॉन्ग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सैड सॉन्ग क्योंकि भाई इसमें जो क्या बोलते हैं मतलब हीरो है ठीक है वो कहीं ना कहीं हीरोइन से प्यार करते हैं और उनका शादी हो रहा है किसी और के साथ और वो देख रहे हैं ये चीज ठीक है और सह नहीं पा रहे इस चीज को और उसी के थ्रू अपने लिरिक्स के थ्रू बयां करते हैं जो कि डियर अनीता ने लिखा है। ठीक है, और काफी कमाल का लिरिक्स है। ठीक है, जिस तरीके से स्टार्ट होता है लिरिक्स की, भाई सिंदूर से तुमने अपना मांग सजा लिया ठीक है और ये देखकर मेरा दिल जल रहा है ठीक है, तुम मेरे दिल से दूर होते जा रही हो, अंगूठी पहनकर तुमने अपने ब्याह रचा लिया, मतलब इस तरीके की बातें होती हैं लिरिक्स में और बहुत ही मतलब एक काफी इमोशनल सैड मोमेंट वहां पे क्रिएट किया जाता है जो कि तुम फील कर सकते हो। ठीक है, तुम देखोगे जब ठीक है जिस तरीके से एक्टर ने अपना कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया है ठीक है, वो जो आंसू निकल रहे हैं बंदे के ठीक है, वो काइंड ऑफ ऐसा वाइब भी देता है और फील भी होता है, प्लस में स्टीफन टूडू ने जिस तरीके से गाया है उसे भाई एक अलग माहौल में चले जाते हो तुम। ठीक है, तुम भाई मतलब मैं जब स्टार्ट किया था मेरे चेहरे पे स्माइल थी एंड देन फिर ये गाना सुन के थोड़ा बहुत डीप डाउन हो गया, थोड़ा नम हो गया क्योंकि भाई गाने में उस तरीके की बात है ठीक है और उस तरीके का क्या बोलते हैं हेमंत दा ने म्यूजिक दिया जो कि काफी कमाल का। हेमंत दा का म्यूजिक का सबसे बड़ी सबसे स्पेशलिटी मुझे ये लगती है ना कि उनकी म्यूजिक में जो मेलोडीज यूज होते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं
ठीक है, जैसा फेस रहता है, जिस तरीके का आपका कंटेंट है, जिस तरीके का आपका गाना और जिस तरीके की आपकी क्या होता है सिचुएशन बिल्डिंग है, उस तरीके की उनकी इंस्ट्रूमेंट रहती है एकदम रॉ रस्टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेडिंग का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, जो वेडिंग में क्या होता है ढोल्स वगैरह यूज होते हैं, उसी तरीके की मेलोडी यहाँ पे रखी गई है, उसी तरीके का ड्रम्स को यूज करा गया है। तो भाई काफी कमाल का उनका क्रिएटिव लगता है, मतलब एक ऐसा म्यूजिक बिल्डिंग में बहुत ही कमाल का उनका क्रिएटिव चॉइस लगता है कि भाई इस तरीके का म्यूजिक डालो कि रूटेड भी लगे, कल्चरल भी लगे और एक अच्छा वाइब भी क्रिएट करे, और वो वाइब काफी देखने को मिलता है। तुम इंजॉय करोगे, ठीक है, मतलब इंजॉय नहीं करोगे एक्चुअली, तुम सैड होगे, ठीक है, काफी ज्यादा सैड होगे अगर तुम किसी से प्यार करते हो और ये सारी चीज़ों से गुजरे हो, तो भाई तुम्हारे जख्मों पे बहुत ही गलत तरीके से नमक या फिर खंजर भूखने वाली है, क्योंकि गाना बहुत ही ज़्यादा सैड है, डीप है और थोड़ा वीडियो वाइज विजुअली भी तुम्हें काफ़ी सैड लगता है। क्योंकि भाई देखो बहुत सारे ऐसे आशिक होंगे जिनको अपनी मोहब्बत नहीं मिली होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी के साथ ब्रेकअप होकर कहीं ना कहीं चीज़ें चली गई होंगी, ठीक है, उनके लिए ये गाना नहीं बना। मैं तो कतई रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, ठीक है, क्योंकि भाई अगर तुम ये गाना सुन रहे हो देन फिर भाई अलग लेवल पर तुम्हारी दर्द पहुँचने वाली है। तो काफ़ी सैड और काफ़ी इमोशनल गाना है। चलो आगे देखते हैं और क्या है इस गाने में। दुलड़ राजा छड़ाव कते अमेम सहायना मैं कौन मेदा जुरो टोड़ो टोड़ो मैं कौन मेदा जुरो टोड़ो टोड़ो ओ कोई जोतीन बिन कुली ते ओ कोई जोतीन बिन कुली ते। गाना बहुत ही कमाल है, ठीक है, गाना में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मतलब तुम जैसे एक रिलेटेबिलिटी होती है ना लिरिक्स के साथ, वो रिलेटेबिलिटी तुम्हें देखने को मिलती है, ठीक है, कहीं ना कहीं देखो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हर लोग एक जोन में पहुंच जाता है जहाँ पे अपनी बीती हुई मेमोरी यादें जो होती है ना वो एक्चुअली हट करती है लोगों को, ठीक है, लोग चले जाते हैं पर उनकी यादें रह जाती हैं, ठीक है, और वो यादें जो होती है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा दर्द देती है, और वही चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है, जो लिरिक्स सेकंड फेज में आता है उसमें यही सारी चीज़ों का यादों का जिक्र किया गया है कि पहाड़ों में घूमना, ठीक है, गांव में घूमना, ठीक है, भाई मतलब मेरे आंसुओं को पोंछना, अब कौन करेगा ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को इस लिरिक्स में डाला गया सेकेंड फेज में, क्योंकि भाई काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं हर कोई ये सारी चीज़ें फेस करता है, ठीक है, और उसी तरीके से ये गाना निकलता है। भाई इसकी वीडियोग्राफी की बात करूँ तो वीडियोग्राफी मुझे काफ़ी कमाल का लगा और काफ़ी क्रिएटिव चॉइस लगा। अब मे भी शायद वो ऑडियो सुनकर लगा होगा या पता नहीं किसी चीज़ से, बट जो क्रिएटिव चॉइस है जिस तरीके से दिखाया गया है, मतलब स्टार्ट होता है कल्चर के साथ, संथाल कल्चर के साथ, एंड देन फिर चीज़ें जिस तरीके से अनफोल्ड हुई हैं, ठीक है, शादी होने के बाद सारी चीज़ें जो अनफोल्ड हुई हैं, ठीक है, तो भाई वो काफ़ी अच्छा क्रिएटिव चॉइस लगा मुझे, और काफ़ी मतलब एक नॉर्मल सरल वीडियो, ठीक है, जो कि स्लो मूव करता है, बट वो वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ ना कुछ कहानियाँ कन्वे कर रही है, ठीक है, इस तरीके की, जस्ट ऐसा नहीं कि भाई कैमरा मूवमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें दिखा रही है ताकि लोग मतलब बस वीडियो देखें, भाई वीडियो में डीप मीनिंग है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं, लिरिक्स के अकॉर्डिंग वीडियो चल रही है एकदम, ऐसा कि भाई स्टोरी ड्रिवन वीडियो बनाया गया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में, ठीक है, और इसकी वीडियो जो डायरेक्शन करी गई है, ठीक है, अगस्तिन हंसदा के द्वारा, बहुत ही कमाल का सर आपका चॉइस था, ठीक है, और मज़ा आया देखने में ये वीडियो, ठीक है, और मज़ा आ रहा है एक्चुअली देखने में ये वीडियो, कि काफ़ी
एकदम स्टोरी ड्रिवन, ठीक है, लिरिक्स को सपोर्ट करते हुए, ठीक है, प्लस में जो कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, जो एक्टर है, ठीक है, जिंदा सफाली और ये रोहित, बहुत ही कमाल का काम किया है, ठीक है। खासकर क्या बोलते हैं, जो मेन कैरेक्टर है वो जो जिस तरीके से वो इमोशंस दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी क्या बोलते हैं एक अलग ही जोन में, देवदास वाली जोन में, वो तुम फील करते हो, वो तुम कहीं ना कहीं देख कर ऐसा लगता है कि भाई ये तो अपनी कहानी चल रही है। तो इतनी रिलेटेबिलिटी लगती है इस वीडियो के साथ, मजा आ रहा है देखने में और अच्छा लग रहा है भाई। मतलब थोड़ा सैड नम भी हो रहा है, एक्चुअली मुझे सैड सॉन्ग एकदम पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई क्यों फालतू का स्ट्रेस लेना जिंदगी में, ठीक है। गाने मतलब अच्छे गाने सुनो, हैप्पी गाने सुनो, बट कभी कभी सुनने चाहिए, कभी कभी वो जोन होता है, कभी कभी तुम्हारा माइंड एक्चुअली जो कहता है ना कि भाई सैड, आज थोड़ा दुखी दुखी लग रहा है, भाई सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो उस तरीके के जब जोन होता है तब तुम ये सब गाने प्रीफर करते हो और ये सब गाने इन्जॉय करते हो उस टाइम पे। बट अभी मेरा वैसा कोई मूड नहीं था, बट अभी जिस ये गाना सुनकर आधा खत्म हो गया, ठीक है, बट अब मैं उस जोन में जा रहा हूँ जहाँ पे अच्छी खासी हैप्पी जिंदगी चल रही थी, अब सैड कन्वर्ट हो रही है। तो चलो देखते हैं आगे क्या सीन है आगे। लड़के को छोड़ के बहन ने किसी और से शादी किया, फिर वो निकला अल्कोहलिक, मारा पीटा, एट द एंड भाई साहब आके बचा रहे, तो घूम फिर के सर्कल वहीं पे पहुंच गई, ठीक है। बहुत अच्छा चला, ठीक है, स्टार्टिंग बहुत ही तगड़ा था, ठीक है, मिड भी बहुत तगड़ा था, ठीक है, एंड थोड़ा स्टोरी में मतलब लगा कि भाई ऐसा कैसे भाई, भाई के साथ धोखा हुआ था भाई, मतलब ये क्या होता है, मतलब यही चीज़ होती है ना लड़कियां, मतलब तुम्हें छोड़े फिर किसी और के पास जाए और फिर से तुम्हारे पास आए और तुम वही फीलिंग्स लेके साले चटाते जा रहे हो अपनी, क्या बोला जाए भाई। मतलब देखो भाई ये गाना सुन के वो जोन में पहुंच चुका है, इसलिए मेरी ये सारी चीज़ें निकले, पर खैर गाना बहुत अच्छा था, बहुत ही तगड़ा गाना था, ठीक है। म्यूजिक हेमंत दा का बहुत ही कमाल था, और हेमंत दा के म्यूजिक में भाई एक अलग ही बात होती है, मतलब उनकी म्यूजिक जो होती है ना भाई वो काफ़ी रूटेड भी रहती है, प्लस में इतनी एंगेजिंग रहती है, इतना क्या बोलते हैं उनकी मेलेडी जो सूदिंग लगता है ना, क्योंकि तुम्हें सुनकर बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। और हेमंत दा का भाई एक अलग ही काम लगता है मुझे, मतलब मैं तो फैन भाई उनका बेसिकली, क्योंकि भाई उनकी जो क्रिएटिव चॉइस होती है म्यूजिक बिल्डअप करने की, ठीक है, अगर सैड है या फिर कोई अलग है, ठीक है, वो उसी तरीके से बिल्ड करते हैं एकदम क्रिएटिव चॉइस के तहत कि भाई वीडियो कैसा प्रेजेंट होगा, ठीक है, म्यूजिक मुझे इस तरीके का रखना है, तो बहुत ही कमाल का उनका म्यूजिक लगता है। और स्टीफन टूडू बहुत ही कमाल का सिंगर, ठीक है,
और जो दर्द के साथ उन्होंने गाया है इस गाने को, ठीक है, वो तुम्हें फील करा देता है, ठीक है। तो भाई बहुत ही कमाल का आवाज था स्टीवन टुडू सर का, ठीक है, और प्लस में वो दर्द जो एक गाने को चाहिए था निखारने के लिए, जो इस लिरिक्स को निखारने के लिए, वो दर्द काबिले मतलब काबिले तारीफ दिखती है तुम्हें इसमें, ठीक है, और तुम फील करते हो, उनसे कनेक्ट करते हो। बहुत ही अच्छा गाना, ठीक है, वीडियो भी बहुत ही अच्छा था, ठीक है, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, एक्टर बहुत ही कमाल के एक्टर थे, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया, खासकर जो मेल कैरेक्टर था, जो मेन हीरो थे डिगन, ठीक है, उनका बहुत ही कमाल का मतलब उनका जो इमोशन था, जिस तरीके से वो रो रहे थे, वो सारी चीज़ें फील होती है, ठीक है। थोड़ा सेफाली में मतलब रोने का जो एंड में जो कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे ये लगा, ठीक है, बट बाकी सब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, और मज़ा आया गाना सुनने में। तुम भाई इंजॉय कर सकते हो, अगर तुम वो सैड जोन में हो तो, ठीक है, तुम ये गाने को ट्राई दे सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें और भी सैड में लेके चला जाएगा। बाकी अगर तुम हैप्पी मूड में हो तो भाई अवॉइड करना, क्योंकि रुला देगा ये गाना, बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही डीप डाउन है, तुम्हें नम कर देगा थोड़ा, तुम्हारी फ्लैशबैक में लेके चला जाएगा, तुम्हारी वो पुरानी यादों में लेके चला जाएगा। पर खैर ओवरऑल मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, तुमने गाना सुना है कि नहीं ये जरूर बताना, और अगर तुमने सुना है तो तुम्हें कैसा लगा ये गाना, तुम अपने ओपिनियन अपने रिव्यू दो, और तुम बताओ कि हमारा रिव्यू तुम्हें कैसा लगा, कैसे लगा यहाँ हमारी बातें, सारी चीजें कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, पुराने हो तो लाइक और कमेंट करके जाओ, कमेंट जरूर करना, क्योंकि भाई तुम्हारे कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, इंस्पायर मिलती है और भी वीडियोस बनाने के लिए, और तुम क्या लाइक कर रहे हो क्या नहीं, क्या हमारी कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो रही है कि नहीं, सारी चीजों का आंसर मिलता है तुम्हारे कमेंट से, तो प्लीज कमेंट करना, साथ ही में लाइक और कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाकर देखिए ये गाना, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाकर जरूर सुनिए, थोड़े नम होइए, थोड़े सैड होइए, और डीप डाउन जाइए सोच में, तो जाइए सुनिए, एंजॉय कीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो, चलिए बाय।